हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुंज लॉयड कंपनी के द्वारा पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ ही दिन पहले इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, उसमें पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखने से पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिसका नाम है फ्रस्ट्रेटेड सिविल इंजीनियर। सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकन को दबाना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर आप जितना चाहो उतना कर सकते हैं। दोस्तों, आपका ही चैनल है फ्रस्ट्रेटेड सिविल इंजीनियर। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट अप एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया। क्या डिफरेंस होता है बिल्ट अप एरिया और सुपर बिल्ट अप एरिया में? अगर आपको नहीं मालूम है तो एकदम आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस टाइप का आंसर रिप्लाई देना है इंटरव्यूअर को, तो आपको देख लीजिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूं आपको क्या बोलना है। बिल्ट अप एरिया में आपको बोलना है दोस्तों, इट इंक्लूड योर कार्पेट एरिया प्लस एरिया कवर्ड बाय वॉल पिलर एंड डक्ट। इट इज यूजुअली 10% मोर देन फ्रॉम द कार्पेट एरिया। आपको मालूम है कार्पेट एरिया क्या होता है? यहाँ पे कार्पेट आपकी बिछाई जा सकती है, ड्राइंग बेडरूम्स, इसमें कार्पेट एरिया में आपका किचन बाथरूम और बालकनी नहीं आती, जबकि बिल्ट अप एरिया में आपका वॉल पिलर डक्ट एरिया ये सारी चीजें आती हैं आपके बिल्ट अप एरिया में। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर बिल्ट अप एरिया। सुपर बिल्ट अप एरिया क्या होता है? तो इसमें आपको बताना है कि इट इंक्लूड योर बिल्ट अप एरिया, जितना भी पिछला बिल्ट अप एरिया था यानी कार्पेट एरिया प्लस बिल्ट अप एरिया, तो उस कार्पेट और बिल्ट अप एरिया में आपका बड़ा जो रहता है वो होता है बिल्ट अप एरिया। तो आपको बताना है इट इंक्लूड योर बिल्ट अप एरिया प्लस एरिया डेट यू यूज एज बिल्डिंग एमिनिटीज लाइक पैसेज टू लिफ्ट स्टेयर एंड जिम क्लब योगा रूम एटीसी। जो भी आपका बिल्ट अप एरिया रहता है फ्लैट के अलावा, और उसके अलावा आप जो भी बिल्डिंग में यूज करते हैं स्विमिंग पूल लिफ्ट योगा रूम पैसेज जिम इस टाइप की सारी चीज़ें आपकी पार्किंग सुपर बिल्ट अप एरिया में आ जाती है। ये होता है आपका सुपर बिल्ट अप एरिया, और ऊपर वाला जो है आपका बिल्ट अप एरिया यानी जिसमें आपकी ये सारी फैसिलिटी नहीं आती, वो उतना रहता है आपका बिल्ट अप एरिया। और कारपेट एरिया आपका उतना रहता है कि जिसमें बाथरूम बालकनी और किचन ये तीन इंक्लूड नहीं रहती हैं आपके फ्लैट के अंदर, वो सारा रहता है आपका कारपेट एरिया जिसमें आप वॉल की थिकनेस काउंट नहीं करते हैं ना ही पिलर की साइज, जहाँ केवल कारपेट बिछाई जा सके वही होता है कारपेट एरिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू मेजर कॉन्क्रीट। वो पूछ रहा है कि कॉन्क्रीट को कैसे मेजर करते हैं बिलिंग में, तो आप बताइएगा उसे क्यूबिक फीट में, क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक यार्ड में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। तो इसमें आपको दोस्तों सभी क्लास की ब्रिक का मालूम होना चाहिए, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहती है, सेकेंड की क्या रहती है, तो आप बताइए। फर्स्ट क्लास की रहती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फायर ब्रिक जो रहती हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है, वो होती है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज द लीस्ट काइंड ऑफ थियोडोलाइट एंड कंपास। अगर आपकी सर्विंग वाली जॉब है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। देखिए थियोडोलाइट का रहता है आपका 20 सेकेंड, कंपास का रहता है आपका 30 मिनट, इतना आपका लीस्ट काउंट रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फीट इन वन यार्ड, यानी वन यार्ड, यार्ड मतलब होता है गज, एक गज में कितने फीट होते हैं दोस्तों। सडनली आपको मालूम नहीं होगा लेकिन आप पहले से पता करके रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस। वन यार्ड में इक्वल टू होते हैं 3 फीट, यानी एक गज 3 फीट का होता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू कैलकुलेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। वो पूछ रहा है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकली भी बताइए उसे और फिजिकली भी बताइए। देखिए थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट करते हैं बेब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से, टर्जाइजी थ्योरी से एंड मेजर हॉफ थ्योरी से, जबकि फिजिकली हम कैलकुलेट करते हैं लोड प्लेट टेस्ट से, बोर टेस्ट से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 7, वन बैग ऑफ सीमेंट हाउ मच क्यूबिक मीटर। वो पूछ रहा है एक सीमेंट का कट्टा 50 किलो का कितने क्यूबिक मीटर का होता है, कैसे पता करेंगे? तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि कैसे पता करेंगे, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, वहाँ से आप डिवाइड करके निकालिएगा, निकल कर आएगा आपका, फिर उसे क्यूबिक फिट से करके क्यूबिक मीटर में लीजिए तो आपका निकल कर आएगा 0.035 क्यूबिक मीटर, यानी एक कट्टा आपका होता है इतने क्यूबिक मीटर का अप्रोक्स रहता है आपका। अगर क्यूबिक फिट में निकालना है आपको तो इसी में 35.31 का मल्टीप्लाई कर दिए, अप्रोक्स 1.22 या 1.25 क्यूबिक फिट का एक कट्टा रहता है आपका। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना फ्रस्ट्रेटेड सिविल इंजीनियर। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना है, इससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा अगली इंटरव्यू की तो आपके पास मैसेज आएगा, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकते हैं।